Assalamualaikum प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं इस्लामी महीनों के नाम। पहले ये बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, पूरे 12 महीने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम उल हराम, सफर उल मुजफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। मुहर्रम उल हराम, सफर उल मुजफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। आइए आगे पढ़ते हैं। रजब, शैबान, रमज़ान, शुआल उल मुअज़्ज़म, ज़िकत, ज़ुल हज। रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल उल मुअज़्ज़म, ज़िकत, ज़ुल हज। बहुत ही खूबसूरत प्यारे बच्चों, अब हम इसे शुरू से दोबारा पढ़ते हैं। मुहर्रम उल हराम, सफर उल मुज़फ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। रजब, शैबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकत, ज़ुल हज। वेल डन बच्चों, बहुत ही खूबसूरत। आखिरी दफ़ा फिर ना पढ़ लें। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मुहर्रम उल हराम, सफर उल मुज़फ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। मुहर्रम उल हराम, सफर उल मुज़फ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। आइए आगे पढ़ते हैं। रजब, शैबान, रमज़ान, शुआल उल मुअज़्ज़म, ज़िकत, ज़ुल हज। शाबाश बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।